भोले सिंह जी ने बताया अपने डॉक्टर दीपक चतुर्वेदी जी द्वारा, अंजना फाउंडेशन चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा विद्यार्थियों के लिए ये स्वास्थ्य परीक्षण का एक शिविर लगाया जा रहा है। बहुत बड़ी प्रसन्नता हुई, बच्चों के मन में उतर गए एकदम से। तो बिल्कुल जैसे अपने आप को उनके साथ ही रखते हैं, हर श्रेणी के लोगों के साथ उसी मैच्योरिटी के साथ उसी प्रकार से बात करना, ये भी कोई छोटी बात नहीं है। मैं तो भगवान से प्रार्थना करूंगा कि इनके भाव और इनकी भावनाओं को प्रभु ऐसे ही बनाए रखें। आज ही दुबई से आया हूँ और डॉक्टर साहब से मैं इतना प्रेरित हुआ हूँ इनसे, जब मेरे को पता चला तो एक अंग्रेजी में कहावत है, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। तो आज जो ये मुहिम है उसका मेन पर्पस ये है कि हम जब कुछ हो जाए उसके बाद उसका इलाज करने की बजाय पहले ही पता अगर हमको चल जाए कि किस तरीके से हम उस बीमारी को होने से पहले ही रोक सकते हैं शुरुआती चरणों में। अंजना फाउंडेशन चैरिटेबल ट्रस्ट की ओर से विद्यालय में बच्चों के स्वास्थ्य परीक्षण को लेकर एक कैंप आयोजित किया गया। मैं डॉक्टर दीपक चतुर्वेदी, उनकी टीम और अंजना फाउंडेशन के जो भी ट्रस्टी हैं उनका बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने हमारे यहाँ के छात्रों को इस कार्य के लिए चुना। और मैं आशा करता हूँ कि भविष्य में भी वो इस डॉक्टर दीपक जी चेयरमैन अंजना फाउंडेशन ट्रस्ट और दुबई से पधारे श्री चतुर्वेदी जी मेरे प्रधानाचार्य जी और वो अदृश्य लोग, और आज के इस कैंप को चलाने के लिए प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से जिन्होंने भी सहयोग किया उन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा है और आगे हमारे विद्यालय को आपका आशीर्वाद ऐसा ही मिलता रहेगा तो हम आपके बहुत ही धन्यवाद मतलब रहेंगे। बीच बीच में इस प्रकार के जो हम लायक कोई सहयोग हो, कोई व्यवस्था हो और इस प्रकार के कार्यक्रम आप कराते रहेंगे तो निश्चित रूप से समाज का इसमें भविष्य उज्जवल होगा। आपने हमारे बच्चों के लिए इतना सोचा है, इनके लिए किया है और आपने अपना इतना समय दिया है, धन्यवाद हम आपको देते हैं कि आपने इनके हेल्थ के प्रति आप इतने कॉन्शियस थे और उसके साथ साथ हमें इतने लंबे समय से आपको खूबसूरत इतना समय देते आ रहे हैं। जब सबके परिवार में बुआ जी की असामायिक यहाँ से गमन हुआ उसके बावजूद हमने अपने धैर्य को संभालते हुए हमारे बच्चों का एक मेडिकल चेकअप किया, निश्चित रूप से काबिले तारीफ बात है। ये कैंप लगा है, इसकी रिपोर्ट आने वाली है। आई रियली 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 थैंकफुल टू डॉक्टर दीपक सर, है ना, और आप लोग इस चीज़ का फायदा उठा। फाउंडेशन से डॉक्टर चतुर्वेदी व आम्ही गेल्या माझ्या मीटिंग घेतली आणि पोलीस अधिकारी आपणकरता वैद्यकीय चाचण्या केल्या। आज डॉक्टर चतुर्वेदी सर ने अंबोरी पुलिस स्टेशन में हमारे ऑफिसर्स और मेन के लिए ब्लड चेकिंग का कैंप रखा हुआ है जिसमें HbA1c, हीमोग्लोबिन, क्रिएटिन ये सारी जो मेन चीज़ें हैं इसके लिए उन्होंने कैंप रखा हुआ है। वो सुमोटो उन्होंने रखा हुआ है। जब मैं डिनमार्क पुलिस स्टेशन में था तो सर ने कोविड का जो पीक पीरियड था उसमें उनकी टीम ने मिसेज चतुर्वेदी मैम और चतुर्वेदी सर ने हमें बहुत हेल्प की थी। सारे पुलिस वालों को उन्होंने चेकअप कराना, कोविड का टेस्ट कराना, दवाइयाँ देना, ये सारी चीज़ें उन्होंने कोविड के वक्त भी की हुई है। ऐसे लोग बहुत कम होते हैं कि जो समाज के लिए अपना काम धंधा छोड़ के समाज के लिए कुछ करना या उनके प्रति अपना आदर दिखाना, ये सारे काम सारे लोग नहीं करते, लेकिन चतुर्वेदी सर और उनकी टीम जो कर रही है तो उनका हम लोग तो धन्यवाद करते ही, लेकिन उनको जो भी सपोर्ट चाहिए हमारी तरफ से वो तो सपोर्ट भी हम करते रहेंगे उनके इस काम के लिए और धन्यवाद भी करेंगे और उनको शुभकामनाएं। अंधेरी पश्चिम येथील अंजना फाउंडेशन से डॉक्टर दीपक चौधरी व त्यांचे इतर सहकारी इतर डॉक्टर यांनी आंबोली पोलीस ठाण्यामध्ये आज रोजी पोलीस अधिकारी व अंमलदार यांचे मोफत तपासणी केली, त्यामध्ये त्यांनी शुगर, किडनी, रक्तामध्ये हिमोग्लोबिन याबाबत त्यांनी तपासणी केली व मार्गदर्शन केले। त्याबद्दल मी API
देवकते आंबोली पोलीस ठाणे तर्फे सर्व डॉक्टरांचे आभार मानतो. आजची गोष्ट जी हेल्थ चालू आहे इसमें पुलिस को 24/7 काम करना पड़ता है. इसके हिसाब से जो हेल्थ है वो इम्पोर्टेंस है और उसके हिसाब से आज जो अंजना फाउंडेशन में आंबोली पोलीस